प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं ओपी शर्मा आपके इस मैथ सेशन में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। पिछले वीडियो में आपने दशमलव के बारे में पढ़ा, प्यारे बच्चों आज हम पढ़ेंगे दशमलव का पार्ट सेकंड क्या होता है, इसके बारे में हम एनालिसिस करेंगे। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, क्योंकि डेसिमल आपका बहुत ही पावरफुल चैप्टर है जो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल सिद्ध होगा। तो मैं आपके सामने डेसिमल लेके आ रहा हूँ और डेसिमल को आप समझेंगे। दशमलव के बारे में हमारी बात हो चुकी है पहले वीडियो में, आज हम इस दशमलव को आगे बढ़ा रहे हैं। दशमलव को प्यारे बच्चों, दशमलव क्या है, क्या किस प्रकार से क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन आज हम इस दशमलव में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जो आपका फ्रिक्शन होता है उस फ्रिक्शन का आरोही क्रम, अवरोही क्रम, छोटा बड़ा, चार चीजें पढ़ेंगे। एक तो हम इस दशमलव के अंदर आरोही क्रम पढ़ने जा रहे हैं, एक पढ़ेंगे अवरोही अवरोही क्रम, और तीसरा हम पढ़ेंगे सबसे छोटी सबसे छोटी, और चौथी पढ़ने जा रहे हैं सबसे बड़ी। ठीक है, सबसे बड़ी। प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको समझना होगा कि दशमलव के अंदर जो फ्रैक्शन होता है उन फ्रैक्शनों में आरोही अवरोही सबसे छोटी सबसे बड़ी, ये चारों टाइप के क्वेश्चन हमें सीखने हैं, चाहे वो रीट की दृष्टि से हो, चाहे वो सीटेट की दृष्टि से हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एसएससी हो या फिर बैंक हो, पीएससी लेवल की हर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो आज हम इन्हीं पर फोकस करेंगे और आपको कहीं ना कहीं यहाँ से सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो प्यारे बच्चों आइए हम शुरुआत करते हैं। आज का एग्जाम्पल नंबर वन हम आपके सामने रखेंगे, तो आप उन एग्जाम्पल्स को देखेंगे वन बाय वन किस प्रकार होते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों एग्जाम्पल नंबर वन, एग्जाम्पल नंबर वन में दिया गया है कि 1/2, 3/4, 7/9 और 8/11। ठीक है, इसमें सबसे सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, कौन सी होगी, ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अब इस क्वेश्चन को मुझे शॉर्ट आउट करना है तो बहुत ही कम समय के अंदर इसे निपटाना होगा और ये आपको समझना होगा। प्यारे बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने का एक ही तरीका है, जब आप सबसे छोटी और सबसे बड़ी देखें, तो बहुत कम समय वाला आपको मैं तरीका बता रहा हूं। एक काम करें, आप यहां से वज्गुणा करें। प्यारे बच्चों 4 एकम 4 और 3 दूनी 6, सबसे बड़ी देख रहा हूं तो ये बताइए इन दोनों में सबसे बड़ी कौन है। सर 3/4 है। क्या है? 3/4। तो अब छोटी से मतलब नहीं है, अब सिर्फ हम बड़ी को लेंगे, इस बड़ी का कंपैरिजन अगली से कराएंगे और अगली से जब कंपैरिजन कराएंगे तो यहां भी क्रॉस गुणा। 9 × 27 और 7 × 28, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? सर 28 है। तो हमें छोटे से मतलब नहीं है, हमें बड़ा देखना है। अब इसका कंपैरिजन इस अगली वाली से कराइए। प्यारे बच्चों इस प्रकार से कराते हैं, ठीक है। 11 × 7 = 77 होगा और 8 × 9 = 72 होगा। तो बताइए क्या 77 बड़ा होता है या 72 बड़ा होता है? सर 77 बड़ा होता है। अगर 77 बड़ा होता है प्यारे बच्चों, तो ये मैं आपको कह सकता हूं कि यू विल बी गेट आंसर इज इक्वल टू 7/9। ये आपकी सबसे बड़ी भिन्न होगी, सबसे बड़ी फ्रिक्शन होगी। प्यारे बच्चों आप सेकंडों के अंदर आंसर निकालेंगे, लेकिन वन बाई वन क्वेश्चन को देखेंगे भी और समझेंगे भी, ठीक है। आइए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने मैं रखता हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए किस प्रकार से हो सकता है। प्यारे बच्चों सेकंड नंबर देखिए, सेकंड नंबर यह कहता है कि 4/7, 8/17, फिर है 15/19 और फिर है 8/11। ठीक है सर, इसमें भी सबसे बड़ी देखनी है। प्यारे बच्चों सबसे बड़ी देखनी है। अब सबसे बड़ी पूछे या छोटी पूछे, आपको सिर्फ क्वेश्चन जब पूछेगा ना, उस क्वेश्चन को सबसे अच्छे तरीके से रीड करिए, पहले उसको माइंड के सॉफ्टवेयर के अंदर उसका प्रोग्राम बनाइए, तब जाके उसे सॉल्व करिएगा। प्यारे बच्चों आइए देखते हैं,
यहां से जब सबसे बड़ी की बात कर रहा है तो कौन सा गुणा करोगे सर? क्रॉस गुणा। 17 गुणा 4 करो तो 68, सर 8 7 56। प्यारे बच्चों इसमें से बड़ा कौन सा है? सर बड़ा तो 68 है। तो हमें इस छोटे से मतलब नहीं, इस बड़े से मतलब है। इसका कंपैरिजन अगली फ्रैक्शन से कराइए सर, 15/19। ठीक है, अब यहां से जब वजगुणा करोगे तो 19 गुणा 4 सर 76 76 होगा और 15 7 कितना होगा 105 हो जाएगा। तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? सर 76 बड़ा होगा या 105? सर 105 बड़ा होगा। तो हमें केवल इससे मतलब, इससे कोई मतलब नहीं है। अब बड़ा फ्रैक्शन जब देख रहे हैं तो बड़े को उठाओ सर 15/19। इसका कंपैरिजन अगले फ्रैक्शन से कराइए सर 8/11। ठीक है सर, इसका मल्टीप्लाई इससे करिए, 11 5 55 5, 11 कम 11 और 5 16, इसका इंटू 8 9 72 7, 8 1 8 8 7 15। तो प्यारे बच्चों ये बताइए क्या 165 बड़ा होगा या 152 बड़ा होगा? तो आपको तुरंत पता लग रहा है सर आपका 15/19 यानी अंततः आपकी जो सबसे बड़ी भिन्न होगी, सबसे बड़ी जो फ्रिक्शन होगी वो आपकी कौन सी होगी? सर 15/19 होगी। बोलिए हाँ है ना? क्या प्यारे बच्चों आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं? क्लियर है? आइए प्यारे बच्चों अगर ये आपको समझ में आया तो अब हम बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन आपके सामने तीसरा नंबर आ रहा है। तीसरा नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है जिसे हम देखेंगे, क्योंकि अब आप सीख रहे हो छोटा फ्रिक्शन और बड़ा फ्रिक्शन क्या होता है उसके बारे में हम यहां सीख रहे हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3 आपके सामने ये रहा, 2/5 9/9 यहां से हो गया सर आपका 17। ठीक है, फिर है 13/15, फिर है 11/15। मैं सबसे छोटी फ्रिक्शन भिन्न कौन सी होगी? ये आपका क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अब इसके अंदर सबसे छोटा फ्रिक्शन ढूंढना है। अब छोटा फ्रिक्शन ढूंढना है तो ये आपको समझना होगा, पहले से टारगेट करें कि इसमें से आपको किस प्रकार से सॉर्ट आउट करना चाहिए, हमें क्या समझना चाहिए। तो प्यारे बच्चों पहला तरीका ये है कि आप यहां से कौन सा गुणा करोगे? सर क्रॉस गुणा। ठीक है, 17 2 34 और 9 5 45। तो यहां से ये बताइए इनमें से बड़ा कौन सा है, बड़ा फ्रिक्शन कौन सा है? सर 9/17 हो गया। क्यों? क्योंकि 45 बड़ा होता है। तो अब इससे कोई मतलब नहीं है फर्स्ट वाले से। अब इसका कंपैरिजन अगले वाले से कराइए, इसका गुणा 15 का गुणा 9 से करें तो 15 8 120 और 15 9 135। ठीक है बेटा, 13 गुणा 17 करते 17 51 5 17 5 22। तो बताइए क्या 135 बड़ा होता है या 221 बड़ा होता है? सर ये बड़ा होता है। तो बड़ी वाली फ्रिक्शन ये हो चुकी है। ठीक है, सॉरी अपन को छोटा देखना है बेटा। अगर हमें छोटा देखना है तो यहां से एक काम करें, यहां आपने जब वजगुणा किया है ना तो इसमें से छोटी कौन सी थी? सर 2/5 थी। इस 2/5 का वजगुणा यानी कि इसका वजगुणा होगा अगली वाली से, यानी कि 13/15 इससे होगा। तो 15 2 30 और 13 5 65, इन दोनों में से सर छोटी कौन सी है? सर 2/5 है। अगर 2/5 छोटा है तो अगली फ्रैक्शन के साथ कंपैरिजन कराइए, इससे कराइए, और यहां मल्टीप्लाई होगा तो 15 × 2 30 हुआ और 11 5 55। तो बताइए प्यारे बच्चों इसमें से छोटी कौन सी है? सर 2/5 है, और 2/5 अंततः आपकी सबसे छोटी फ्रिक्शन होगी। यही आपका आंसर भी होगा। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? बस इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको देखना है, समझना है, बारीकी से आपको रीड करना है। प्यारे बच्चों आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर किस प्रकार का होगा उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर में दिया गया है ये, क्वेश्चन नंबर फोर कहता है भाई 9/9/10, 7/13 और 15/19 और 19/21। मैं सबसे छोटी फ्रिक्शन पूछ रहा है कि भिन्न कौन सी होगी
कौन सी होगी, ठीक है, ये पूछ रहा है। अब इस क्वेश्चन को आप बच्चे आंसर देंगे तो आपको ये बताइए, मैंने अभी तरीका सिखाया कौन सा, सर्वज गुणा, 13 8 104, 13 9 117, 10 × 7 = 70 होता है। क्या आप यहां तक समझ पा रहे हैं? इन दोनों में से छोटा कौन सा है सर? छोटा 7/13 है या 9/10? ये डिपेंड करेगा ऊपर वाले वज्गुणन पर जो आता है। 70 छोटा है तो छोटे वाले का कंपैरिजन कराइए अगले वाले से। अब इनका वज्गुणा कर दिए सर, इसका गुणा जब इससे करें ना, फिर इसका गुणा इससे करें, तो देखो गुणा करना भी एक अलग तरीका होता है। 10 से 10 × 7 करेंगे तो 70 9 7 63, जब 70 में 63 जोड़ेंगे तो 113 आएगा। कैसे सर? 70 और 9 7 63 ऐसे जोड़ के देख सकते, सॉरी 133। अब इसको ऐसे यहां से जोड़कर देख सकते हो आप, ठीक है। अब 133 आ गया, 15 × 10 किए तो 150, और 15 × 3 = 45 तो 195 आ चुका है, 195। प्यारे बच्चों यहां 195 आया, ठीक है, इधर आपका आया ये, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि इसका वज्गुणा किया तो ये आया, इसका वज्गुणा किया तो ये आया, तो इनमें से छोटा कौन सा है? सर 133 है, तो इसका छोटा फ्रैक्शन है 7/13। अब इसका कंपैरिजन अगले वाले फ्रैक्शन से कराइए, 19/21, इसका यहां से वज्गुणा करें सर, 7 × 7 और 7 × 2 = 14, 147, 19 × 3 = 57, 5 × 19 = 5 24। सर इन दोनों में से छोटा कौन सा है? सर 7/13, तो अंततः जो सबसे छोटा फ्रैक्शन है वो आपका 7/13 होगा। क्या प्यारे बच्चों आप इसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे? क्या आप इस बात को नहीं समझ पा रहे? बिल्कुल, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने 5वां नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, जहां से हम छोटी और बड़ी दोनों प्रकार के क्वेश्चन का आंसर देंगे। क्वेश्चन इस प्रकार से है, 5 नंबर क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ रहा है। इसके अंदर क्या दिया है बेटा? 2/7, 7/9, 9/11, 13/15। इस वाले क्वेश्चन के अंदर एक तरफ तो प्यारे बच्चों आपको देखना है सबसे छोटी देखनी है, और एक तरफ देखनी है आपको सबसे बड़ी देखनी है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी दो फ्रिक्शनों को देखना है और दोनों का आपको आंसर भी निकालना है। तो प्यारे बच्चों यहां से देखिए, सबसे छोटी की मैं बात कर रहा हूं 2/7, 7/9, इन दोनों का वज्गुणा करिए, इन दोनों का वज्गुणा करिए सर, 9 × 2 = 18 और 7 × 7 = 49, इन दोनों में से छोटा कौन सा है सर? 18 या 49? तो बच्चे का जवाब आएगा सर 18। तो छोटी फ्रैक्शन को उठाओ सर, 2/7, क्योंकि हम छोटी देख रहे हैं, और इसका कंपैरिजन अगली से कराइए सर, 9/11 क्रॉस गुणा सर, 11 × 2 क्या होगा? 22 होगा, 7 × 9 = 63। बेटा ये बताओ इनमें से छोटा कौन सा है? सर 22 छोटा है, और 22 छोटा है तो छोटा फ्रैक्शन क्या है सर? 2/7 है, 2/7 है, और इसका अब अगली से कंपैरिजन कराइए 13/15, कंपैरिजन कराइए सर 15 × 2 = 30 और 13 × 7 = 91, तो बताओ इनमें से छोटा कौन सा है? सर 30 है, और 30 किसको रिप्रेजेंट करता है सर? 2/7 को रिप्रेजेंट करता है। तो अंततः सबसे छोटी जो फ्रिक्शन होगी वो आपकी क्या होगी सर? 2/7 होगी। क्या मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आपको आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कंपैरिजन के तरीके से आप इसको विद इन 10 सेकंड के अंदर सोल्व कर दोगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं, सबसे बड़ी की बात करता हूं, यहां तो मैंने सबसे छोटी की बात की, अब मैं बड़ी की बात करता हूं प्यारे बच्चों, तो 2/7 का कंपैरिजन 7/9 से कराइए,
ठीक है, तो 9 × 18 = 7, 7 = 49, बताओ इन दोनों में से बड़ी कौन है। सर 49 बड़ा है, तो 49 बड़ा है तो ये रिप्रेजेंट करता है 7/9 को। अब इसका कंपैरिजन कराइए अगले से 9/11 से, फिर वजगुणा करिएगा 11/7 = 77। प्यारे बच्चों 9/9 = 81, बताओ इन दोनों में से बड़ी कौन सी है। सर 81 है, और 81 रिप्रेजेंट करता है 9/11 को, तो 9/11 को रिप्रेजेंट कराइए, इसका कंपैरिजन करिए 13/15 से, और यहां से 15 × 8 = 120, 15 × 9 = 135, 11 × 3 = 33, 11 × 3 = 11 और 3 = 14, तो बताओ क्या 135 बड़ा है 143। सर 143 बड़ा है और 143 बड़ा है तो सबसे बड़ा, अंततः जो फ्रिक्शन होगा वो 13/15 होगा। प्यारे बच्चों या तो क्वेश्चन में सबसे छोटी पूछेगा या सबसे बड़ी पूछेगा, और दोनों का आप जवाब दे रहे होंगे। अब एक बच्चे के अंदर क्वेश्चन ये आ रहा होगा, सर एक बात बताइए, आपने बहुत ही अच्छा तरीका बताया, आपने बहुत ही अच्छा तरीका बताया, क्रॉस मल्टीप्लाई से हम यहां से ढूंढ सकते हैं छोटा क्या होगा बड़ा क्या होगा, पर काश सर यहां पर अगर ये अंश बड़ा हो जाए और हर छोटा हो जाए तो क्या होगा। तो ऐसी दृष्टि में प्यारे दोस्तों घबराइए नहीं, मैं आपको तरीके के क्वेश्चन ला रहा हूं ताकि आप उनका भी जवाब दे सकें। तो आइए मेरे साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला 6 नंबर के क्वेश्चन के अंदर हम बात कर रहे हैं, और 6 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। आपके हर क्वेश्चन का जवाब मिलेगा, घबराने की कोई बात नहीं है। 6 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से है, 6 नंबर का क्वेश्चन यह कहता है 11/9, 10/13 और बेटा 7/9, और यहां पर है सर 19/21। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी फ्रिक्शन ढूंढना है, इसमें सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी ये ढूंढना है, सबसे बड़ी क्या होगी इस क्वेश्चन के अंदर, सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी ये ढूंढना है। अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन देखने में तो बड़ा अच्छा है, लेकिन इसको थोड़ा सा सोल्व करने का तरीका है। अब कुछ बच्चे यहां से दिमाग लगा लिए, सर हमें तो आता है, हमने तो आपने जो हमें बताया हम तो उसी तरीके से कर देते हैं और एकदम से आंसर निकालने में पीछे नहीं हटते। प्यारे बच्चों आंसर तो देखते ही निकाल दोगे, बस क्वेश्चन दिखा नहीं और आंसर आपका है नहीं, ऐसा मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं, लेकिन उस उम्मीद पर आप खरे उतरेंगे। तो ध्यान से देखिए 11/9, 10/13 इनका कंपैरिजन कराइए, मल्टीप्लाई करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 11 × 13 = 11 × 3 = 33, 3 × 11 = 3 = 14, 143 यहां कितना हो गया सर 90, ये 90 यहां 143, इन दोनों में से सबसे बड़ा कौन है सर 143 है, 143 किसे रिप्रेजेंट करता है सर 11/9। बड़ी ढूंढ रहे हैं तो बड़ी को लीजिए और छोटी ढूंढ रहे हैं तो छोटी को लीजिए। ठीक है, अब दूसरी के बाद तीसरी पर आइए, सर 7/9 से कंपैरिजन कराइए, सर यहां 99 आएगा मल्टीप्लाई, 7 × 63 आएगा सर यहां पर, बिल्कुल सही है, इन दोनों में से बड़ा कौन है सर 11/9 है, 11/9 का क्रॉस मल्टीप्लाई अब किसके साथ होगा सर 19/21 इसके साथ होगा। ठीक है सर 21 × 11 करिए, 11 × 11 = 22 और 1 = 23, सर 231, 19 × 9 = 171 होता है। ठीक है सर, मुझे बताइए इन दोनों में से सबसे बड़ी कौन है, सर सबसे बड़ी इन दोनों में से कौन है, तो एक लड़का कह रहा है सर 11/9 दिख रहा है तो यही सबसे बड़ी, यही सबसे बड़ी। लेकिन एक अच्छा स्टूडेंट है, वो पता है क्या सोच रहा है, तो उसको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए, इसमें बेटा इस वाले फ्रिक्शन को देखो, इसमें हर बड़ा है, इसमें भी हर बड़ा है, इसमें भी हर बड़ा है, तो मुझे ये बताओ इन सब में से चारों फ्रिक्शनों में से अंश किसका बड़ा है। तो एक बच्चा यूं कह रहा है सर मुझे तो इसमें ये दिख रहा है जिसका अंश बड़ा होता है वही सबसे बड़ी होती है, और यू विल गेट बी आंसर विद इन 10 सेकेंड। बोलिए हाँ या ना,
क्लियर, यानी क्वेश्चन देखा नहीं और क्वेश्चन का आंसर आया नहीं, इसको भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारा क्वेश्चन जो तुम्हारे दिमाग में चलेगा उसका आंसर मेरे पास पहले मौजूद है। बेटा ये लाइव क्लासेस के अंदर ऐसा नहीं है कि आप जो पूछने की कोशिश कर रहे हो क्या हमारे पास उसका आंसर नहीं है, हर चीज का आंसर है, क्योंकि ऑफलाइन कक्षाओं में जो हमने सीखा है बच्चों से वही हम आपको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, देखते रहिए आप, ये क्या छोटा बड़ा कभी जीवन में आपसे रुकेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, 7 नंबर, इसके अंदर प्यारे बच्चों ये दिया है 13/27, इसमें दिया है सर 11/15, सर इसमें दिया है 10/11, सर इसमें एक और दिया है 7/3, सर एक और है सर 5/2, मैं सबसे बड़ी पूछ रहा है, मैं सबसे बड़ी क्या होगी, मैं सबसे बड़ी फ्रिक्शन क्या होगी, ये पूछ रहा है। क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन आपके सामने और सॉल्यूशन भी आपके सामने। प्यारे बच्चों क्या इसमें आप सबसे बड़ी नहीं खोज सकते, क्या आप इसमें सबसे बड़ी नहीं खोज सकते, लेकिन होता क्या है, फर्क दो ही चीजों का होता है, गधे और घोड़े में किसका अंतर होता है बताओ, क्या गधा सुंदर होता है, क्या घोड़ा सुंदर होता है, सुंदर तो दोनों ही होते हैं, बल्कि वो तो हल्कार होता है गधा, है ना, और गधे पर बैठ के जाए तो और मजा आता है, कभी बैठ के देखना। लेकिन प्यारे बच्चों एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अंतर विद्यार्थी के अंदर दो ही होते हैं, एक तो वो विद्यार्थी जो लगातार रट्टाफिकेशन का गणित पढ़ता है, एक वो विद्यार्थी जो स्मार्ट वर्कर के गणित पढ़ता है, एक विद्यार्थी तो यहाँ क्रॉस गुणा लगा रहा होगा जो कि ये ले मास्टर तेरी विधि तेरे ऊपर समर्पित, नहीं प्यारे बच्चों मेरी विधि को समझिए, मैं ये नहीं कहता, लेकिन उसको गुणवत्ता पूर्वक उसका प्रोग्राम सेट करके माइंड के अंदर, जब तक माइंड के अंदर सॉफ्टवेयर अच्छा सॉफ्ट नहीं होगा तब तक तुम्हारा कुछ नहीं होगा, और सिलेक्शन पाने के लिए कहीं ना कहीं नेटवर्क को नेटवर्क से जोड़ना पड़ता है, तो यहां कौन सा नेटवर्क काम करेगा, तो ध्यान से देखो प्यारे बच्चों इसमें कौन बड़ा है, सर हर बड़ा है, इसमें कौन बड़ा है, सर हर बड़ा है, इसमें कौन बड़ा है, सर हर बड़ा है, सर इसमें क्या बड़ा है, सर अंश बड़ा है, इसमें कौन बड़ा है, सर अंश बड़ा है, जब इनमें अंश बड़ा है तो ये कंफर्म है बड़ी तो इन दोनों में से ही है, बड़ी तो इन दोनों में से ही है, लेकिन है कौन सी मुझे पता नहीं है, नहीं है ना। चलिए उस नेटवर्क को सॉफ्टवेयर को अब यहां से हम देखते हैं और आंसर आपका आने वाला है। प्यारे दोस्तों बस आपकी पल्स जो हार्ट पल्स है उसको थाम के रखना, कौन सा गुणा, सर्वज गुणा, 7 × 14 × 5 × 15, यू विल गेट वी आंसर ओनली फॉर 3 सेकेंड विद। प्यारे बच्चों ये बड़ा है 15, तो आपका आंसर क्या है 5/2, ये आपका आंसर है। यानी क्वेश्चन जैसे ही दिखे उसके ऊपर प्रहार कर दो, और वो प्रहार करना है बिना हथियार के, मजा आ जाएगा, आंसर आते ही आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन भविष्य में आने की उम्मीद भी है, और आप भी चुके हैं और आते रहेंगे। प्यारे बच्चों आइए, अगर ये क्वेश्चन आपको पसंद आया हो तो अगले क्वेश्चन की ओर लेके आता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, देखिए कितना मजा आने वाला है, बस इस मजा को अगर तुमने वास्तविकता में समझ लिया ना, तो सही बता रहा हूं तुम्हारी जिंदगी कहीं ना कहीं जिस खेल में उलझी हुई है ना वो खेल तुम्हारा सुलझ जाएगा। 7/15 यहां पर है बेटा, 11/11 मैंने बोला बेटा, 11/27 यहां बोला सर, 8/13 यहां बोला सर, 15/13 सर मैंने यहां बोला सर, 17/13 सर मैंने यहां बोला, 19/7 मैं सबसे बड़ी फ्रिक्शन कौन सी होगी, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। प्यारे बच्चों कुछ बच्चे दिमाग लगा रहे हैं कि सर ये तो क्वेश्चन बड़ा हो रहा है, घबराना नहीं है, बड़ा ये चाहे 4 पन्नों का क्यों ना हो जाए, बस आपको जो मैं सिखा रहा हूं ना उसको ध्यान से समझिए। ऑफलाइन कक्षाओं के अंदर विद्यार्थियों का सॉफ्टवेयर एकदम से ऐसा शार्प कर देते हैं हम लोग, जब बच्चा सामने होता है ना, बस आप भी मेरे सामने हो यही बात मान करके मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो आइए अब इस बात को समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर हमने आपसे पूछा है प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी कौन सी बड़ी, सबसे बड़ी फ्रिक्शन क्या होगी। ठीक है, अब सबसे बड़ी फ्रिक्शन, पहले तो ये बताइए इसमें सबसे बड़ा कौन है,
हर बढ़ाए, इसमें भी हर बढ़ाए, इसमें भी हर बढ़ाए, इसमें क्या बढ़ाए सर अंश बढ़ाए, इसमें सर क्या बढ़ाए सर अंश बढ़ाए, इसमें कौन बढ़ाए सर अंश। जिसका हर बढ़ा है वो तो कभी भी बड़ी नहीं हो सकती, जिसका हर बड़ा है वो कभी भी इतिहास में बड़ी नहीं हो सकती ना भविष्य में, लेकिन प्यारे बच्चों जिसका अंश बड़ा है वो निश्चित ही बड़ी होगी। लेकिन मास्टर यहां तीन तीन बड़ी हैं, पहले एक बड़ी दी, फिर दो दी, अब की बार तीन दी, हमें पागल समझ रखा है क्या जो इतना बड़ा बड़ा दे देते हो कभी कभी। प्यारे बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन जब एसएससी के अंदर देखने को मिलते हैं तो बच्चे का ब्लड प्रेशर हाई होता है। तो अब मैं जो कर रहा हूं ना उसे ध्यान से समझो, यहां से आप क्रॉस गुणा कर लीजिएगा, मजा आ जाएगा। अब एक लड़का पता है वो दिमाग लगा रहा है यार, अभी भी वो क्रॉस गुणा करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मैंने भी कर दिया इसलिए वो करने की कोशिश कर रहा है। एक बात बताओ यार, नीचे दोनों के हर समान है, हर समान है, तो जो ऊपर बड़ा होगा वही बड़ा होगा, तो ये बड़ा नहीं हो सकता फिर ये बड़ा है, ठीक है। इनको मास्टर ये भी बात है क्या भाई, एक बात बताइए, जब छोटे छोटे कण इकट्ठा होते हैं ना तभी तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चीज का निर्माण होगा। अब इसके अंदर वजगुणा करिए तब आएगा मजा। 17 × 7 = 119 होते हैं क्या, होते हैं सर। सर 19 × 13 करिए, 19 × 3 = 57, 5 × 19 = 24, तो बताओ बेटा सबसे बड़ी कौन सी नजर आ रही है। सर 19/7 नजर आ रही है, अगर ऐसे नजर हमें आने लग गई परीक्षा में तब तो हमारा सबसे बड़ा सिलेक्शन ही हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो सबसे बड़ी जो आपका भिन्न होगी, फ्रिक्शन होगी, वो 19/7 होगी। देख लो आप, क्या हम आपको समझा पा रहे हैं। फ्रिक्शन का क्वेश्चन अगर आता है तो वो ऐसे सॉर्ट आउट होगा, अगर बड़ी पूछे छोटी पूछे प्यारे बच्चों तो ऐसे होगा। अब हम सीखते हैं आरोही और अवरोही। आइए बच्चे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 नंबर के अंदर बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, लेकिन कंसेप्ट उतना ही जबरदस्त है। बस नजरें बना के रखिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, 1/2, 3/4, 5/7, 9/11 को आरोही क्रम में, आरोही क्रम में व्यवस्थित करो, व्यवस्थित करिए, व्यवस्थित करना है बच्चे, व्यवस्थित करो, ठीक है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, अब आरोही पूछे, अवरोही पूछे, छोटी पूछे, बड़ी पूछे, अब छुटकी ये मजली ये तो आप निकाल सकते हो, लेकिन जब आपसे अब पूछे ये कि आरोही और अवरोही, तो मैं प्यारे बच्चों आपको तरीके एक नहीं, आपको तरीके कई दे दूंगा, लेकिन उन तरीकों से कोई मतलब नहीं है जो आपने बचपन में सीखे थे ना, उन तरीकों से कोई फायदा नहीं है, नहीं है ना। अब नहीं है तो अब हम क्या करें, देखो 1/2, 3/4। अब एक बच्चा सोच रहा होगा सर इसको तो यू करना चाहिए, बोल कैसे करना चाहिए, बोल यू करना चाहिए। देखो तो सही कितना अच्छा सोचता है ये बच्चा, कि दो का भाग लगाने चला इसमें, ठीक है, दो का भाग लगाने चला, आप मुझे देख पा रहे हैं ना, दो का भाग लगाने चला तो 0.5, ठीक है सर। सर इसका भाग इसमें लगाया सर 0.75, सर इसका भाग लगाया ये लो, बोला 7 × 7 = 49, बच गया 1, 7 × 7 लगभग। आगे आओ जी, इसका भाग इसमें लगाने चले, 11 × 8 = 88, बहुत अच्छा लगा बच्चे, 88 × 2 = 11। प्यारे दोस्तों ये बताओ इनमें से सबसे छोटा तुम्हें कौन नजर आ रहा है यार, सबसे छोटा सर 1/2। देखो बेटा एक बात और समझ लो, ये और ये, ग्रेटर देन लेस देन, ग्रेटर देन लेस देन, लेकिन तुम्हारे दिमाग में नहीं आता, तुम तो माना कि तुम जानते नहीं हो। एक बात जानते हो क्या, एक बात जानते हो क्या, अरे यार ये तो तुम जानते हो, ये कोई कीड़ा मान लीजिए यार, ये कीड़ा मान लीजिए, ठीक है। इसका मुंह देखो ये कितना चौड़ा है यार, कितना चौड़ा है, देखो मजा आएगा, ये कुछ खाएगा, ये खाएगा कुछ, ये कुछ खाएगा, इधर से खाएगा मोटा, और जब इधर से मोटा खाएगा तो उसको कर देगा कैसा छोटा, जब ये खाएगा मोटा तो इधर कर देगा छोटा, यहां खाएगा मोटा तो यहां हो जाएगा छोटा, तो जिधर बड़ा मुंह खुला हुआ है उधर बड़ा चाहिए, और जिधर छोटा है उधर छोटा चाहिए, दैट्स मीन।
अब देख लो ये पशु है, अब ये पता नहीं कौन सा पशु है, मुझे भी नहीं पता, लेकिन आपको सिखा है जिधर से ये अब इधर से बड़ा खाएगा और यहां जाके उसको पिचका देगा, देखो ये पिचका दिया, या इतना बड़ा है यार इतना छोटा कर दिया, या इतना बड़ा आएगा और इधर छोटा आएगा, ऐसा ये कह रहा है। प्यारे बच्चों एक प्रैक्टिस करना, 4 10 99 100 बेटा 6 4 और यह 9 और यहां पर 9 और यहां 11 मान लिया मैंने, ये बताओ इसमें से कौन सा मार्क आएगा, एक नंबरी या दो नंबरी, दिमाग लगाइए, इधर बड़ा चाहिए इधर बड़ा, तो इधर तो छोटा इधर बड़ा है, तो इसका मतलब ऐसे आएगा, इधर छोटा है छुटके की तरफ छुटका, बड़े की तरफ बड़ा, इधर बड़ा है तो बड़े की तरफ बड़ा, छुटके की तरफ छुटका, इधर बड़ा तो इधर बड़ा, इधर खुल गया मुंह और इधर छोटा हो गया, इधर बड़ा तो इधर बड़ा, इधर छोटा तो इधर छोटा, जिधर मोटा उधर मोटा खोल दो, जिधर छोटा सुखड़ा दो, समझ में आ रहा है ना, बस हो गया खेल। अब आपको आरोही और अवरोही क्रम में सिखा रहा हूं कि आरोही क्रम किस प्रकार से निकालते हैं। प्यारे बच्चों इसका अब आरोही क्रम में व्यवस्थित करना आपको सीखना है। सबसे छोटा इनमें से कौन दिखाई दे रहा है, सर ये दिखाई दे रहा है ना, सर 1/2, सर इससे जस्ट बड़ा कौन सा है, सर ये है 0.71, 5/7 वाला, सर इससे जस्ट बड़ा, सर 3/4 है, सर इससे बड़ा, सर 9/11, ये बताइए ये सबसे छोटा, इससे बड़ा फिर इससे बड़ा फिर इससे बड़ा, तो ये कहीं ऐसे नहीं खा रहा है क्या, लेस देन लेस देन लेस देन, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों आरोही क्रम। कौन सा क्रम, आरोही। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से मैं इससे सहमत नहीं हूं, आप तो सहमत हो जाओगे क्योंकि आपको तो मास्टर पढ़ा रहा है ना, मजा आ रहा है, तो इससे सहमत हम नहीं है, तो हमें सहमत किससे करना चाहिए, देखिए आंसर किस प्रकार से। प्यारे बच्चों जब ये बड़ा बड़ा हो जाता है यार, बड़ा बड़ा मोटा मोटा हो जाता है तो तुम्हारा भेजा खराब कर देता है, तो उसके लिए जो मैं तरीका बता रहा हूं उसको आप अपनाएंगे ऐसा मुझे विश्वास है। 1/2, 3/4, 5/7, 9/11, ध्यान से देखिए, आपके कहीं ना कहीं माइंड के एक एक स्क्रू को लूज कर देगा। तरीका बहुत शानदार है, ऐसा थोड़ी है बुकों में थोड़ी मिलते हैं तरीके, ठीक है बोर्डों पर मिलते हैं, ध्यान से देखो। प्यारे बच्चों अंश और हर का अंतर क्या है, अंश और हर का अंतर, अरे दो में से एक गया तो क्या आया, एक। सर अंश और हर का अंतर, सर एक। सर अंश और हर का अंतर, सर दो। अंश और हर का अंतर, सर दो। कितना अच्छा लग रहा है यार, है ना। इसका अंश क्या है, सर एक। इसका अंश क्या है, सर तीन। इसका अंश क्या है, सर पांच। इसका अंश क्या है, सर नौ। भाग लगाओ, एक आएगा, तीन आएगा, सर कितना आएगा, ढाई आएगा, सर कितना आएगा, 4.5 आएगा, और मजा आ जाएगा। आ गया मजा, अच्छा। एक लड़का तो यहां तक सोच रहा है, सर आरोही अवरोही नहीं, हम इसमें तो बड़ा छोटा भी दिखा सकते हैं, यही तो देख दिखाना है, जो तुम देख नहीं पाते उसे ही दिखाते हैं हम, ठीक है ना। आपको पता है एक दिन क्या हुआ, एक महापुरुष था, वो अपने कटिंग कराने गया नाई के पास। प्यारे बच्चों जब नाई के पास गया तो वो नाई से बोला, अरे ये शीशे के ऊपर कितनी धूल जमी हुई है, इस धूल को साफ कर, तब मेरे चेहरे के ऊपर से कहीं ना कहीं बाल वगैरह ये मेरे काटना स्टार्ट करना। तब उसका जवाब क्या था नाई का, अरे ये जो धूल है वो इसके ऊपर नहीं है, धूल आपके चेहरे पर जमी हुई है। तो उसका जवाब आया, अरे मुझे क्या पता था, मैं जीवन भर इस धूल को देखता रहा, धूल तो मेरे जीवन के अंदर है। प्यारे बच्चों कई बार होता क्या है, ऐसी घटनाएं आपको प्रेरित करती है और इन घटनाओं से प्रेरणा लेना चाहिए और आपको समझना चाहिए। इस प्रकार के तरीकों के अंदर कहीं ना कहीं एक नया ऊर्जा आपको मिलेगा, उस नया ऊर्जा से ही आपको समझ पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें सबसे छोटा कौन नजर आ रहा है, सर 1/2 नजर आ रहा है, सर इससे जस्ट बड़ा कौन नजर आ रहा है, सर ये नजर आ रहा है 5/7 नजर आ रहा है, सर इससे ढाई से जस्ट बड़ा, सर 3/4 नजर आ रहा है, सर इससे बड़ा कौन नजर आ रहा है, सर 9/11 नजर आ रहा है। तो प्यारे बच्चों ग्रेटर देन सॉरी लेस देन लेस देन लेस देन, इस प्रकार से इसे बोलेंगे आरोही क्रम। प्यारे बच्चों 1/2, 5/7, 3/4, 9/11, ये आपका सबसे परफेक्ट विधि है, सबसे अच्छा विधि है। अगर बड़ा भी आएगा, बड़ा मोटा भी आएगा, तो उसको बिल्कुल छोटा कर देगा प्यारे बच्चों, छोटा कर देगा और छोटा करते ही आंसर भी निकाल देगा। क्या आप आरोही क्रम नहीं समझ पा रहे, बोले हाँ या ना, समझे। आगे आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन 10 नंबर आपके सामने हाजिर है, अपने सामने हाजिर है 10 नंबर, देखिए मजे के साथ और इंटरेस्ट के साथ। 10 नंबर क्या कहता है, देखो जी 10 नंबर ये कहता है, 10 नंबर ये कहता है, इसमें बोला कि 2/7, 5/9, 11/13 और 15/19 को, इसको व्यवस्थित करना है प्यारे बच्चों, इसको व्यवस्थित करना है। कौन से क्रम में व्यवस्थित करोगे? एक लड़का तो ये कह रहा है, सर मैं तो आरोही और अवरोही दोनों में ही चाहूंगा कि आप इसका आरोही और अवरोही क्रम भी बताएं, आरोही और अवरोही क्रम भी बताएं। एक लड़का यूं कह रहा है, सर मैं ये नहीं समझ पाता आरोही क्रम का मतलब क्या है और अवरोही का क्रम का मतलब क्या है। तो बेटा सुनो, जिंदगी में शायद अब आप भूल नहीं पाओ, ये बातें ध्यान रखना, इमेजिनरी सिचुएशन से देखना। कभी जीवन में आपको किसी ने चांटा दिया हो तो वो आप भूल नहीं पाते, क्यों? क्योंकि वो एक आपके जीवन की घटना है, ठीक है। इसके साथ भी अगर कोई घटना हो जाए तो उस घटना को आप भूल नहीं पाओगे, मेरा वायदा है, आज आप समझ लीजिए, ठीक है। अब मैं आपको क्या समझा रहा हूं सुनो, 1 नंबरी, 2 नंबरी, 3 नंबरी, ये तो है 3 नंबरी, है 3 नंबरी, 3 नंबरी, ये लो जी, ठीक है। ये कितना नंबरी? 1, 2, 3 और 4, ये 4 नंबरी, ठीक है। अच्छा कहते हैं ना, एक मूवी तो है 1 नंबरी और 10 नंबरी, ध्यान में आया होगा कि बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। प्यारे बच्चों इसके अंदर मैं क्या समझा रहा हूं, ये छोटा है तो ये क्या है? बड़ा। इसमें छोटा ये बड़ा है तो इसे बोलेंगे छोटे से बड़े की ओर, इसे बोलेंगे बड़े से छोटे की ओर। अगर भूल जाओ तो मुझे बता देना, मैं इसी प्लेटफॉर्म पर जीवित हूं, और अगर नहीं भूलो तो ये भी मुझे बता देना, क्योंकि आप लोग और तो कुछ कर ही नहीं सकते, है ना। तो चलिए अब इसको समझते हैं प्यारे बच्चों, आरोही अवरोही क्रम की ओर बढ़ते हैं। अब इसको आप समझाने का प्रयास करेंगे, आरोही और अवरोही इनका अंतर कितना है प्यारे बच्चों? सर 5 है, इनका अंतर सर 4 है, इनका अंतर सर 2, सर इनका 4, बहुत अच्छा लग रहा है। इसका आंसर सर 2, इसका आंसर 5, सर इसका आंसर 11, सर इसका आंसर 15, सर भाग लगाइए तो 5 चौका 20, इसको 10.40 बोल सकते हैं, इसको 4 एकम 4, 4 दुनिया 8, 4 5 20 सवा बोल सकते हैं, सर इसको क्या बोल सकते हैं? सर 5.5 बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? 4 3 12, 4 7 28, 4 5 20, 3.75 बोलेंगे। ये इसके सेक्शंस हो गए, इन सेक्शंस को आप सोल्व कर चुके हो। अगर 10 सेकंड के अंदर आंसर नहीं आया तो हमारा गणित पढ़ने का कोई अर्थ साबित नहीं होगा। अब इस अर्थ को लाने के लिए और आप लोगों को समझाने के लिए मुझे बताइए सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा कौन है प्यारे बच्चों? मैं आरोही क्रम रख रहा हूं, सबसे छोटा कौन? सर 2/7 आपका फर्स्ट फ्रिक्शन। सर इससे जस्ट बड़ा फ्रिक्शन कौन है? सर 5/9। सर इससे जस्ट बड़ा कौन है? सर 15/19। सर इससे भी जस्ट बड़ा कौन है? सर 11/13। कौन सा क्रम? आरोही 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 आरोही, लेस देन और लेस देन। अब बात करूं मैं अवरोही की, तो सबसे बड़ा पहले आएगा 11/13, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, फिर उसके बाद उससे छोटा। प्यारे बच्चों ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन, इसको कहते हैं आरोही और अवरोही का खेल। प्यारे विद्यार्थियों आपने कई बार देखा होगा कि फ्रिक्शन से, दशमलव वाले पार्ट से इस प्रकार के क्वेश्चन उठते हैं, आरोही अवरोही छोटा बड़ा, पता नहीं कितने टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछ लेता है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप कम समय के अंदर सोल्व करें, ऐसी मेरी कामना है। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।